बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के लेक्चर में हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज इंटरनेट एंड इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट, जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं इंटरनेट के हवाले से, इंटरनेट है क्या? इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड दैट कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिक इंटरनेट जो है वो हमारे पास दुनिया का एक लार्जेस्ट नेटवर्क है जो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। देखिए, अगर हम इसको अपने अल्फाजों में समझें तो इंटरनेट के ज़रिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई फ्रेंड अगर पाकिस्तान से बाहर है और मुझे उससे कोई बात करनी है, मुझे उसका कोई मैसेज कन्वे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, थ्रू इंटरनेट उससे कनेक्ट होता हूँ और अपना मैसेज आसानी से कन्वे कर देता हूँ। तो इंटरनेट ने बेसिकली दुनिया को एक जाल के अंदर बंद कर दिया है और उस जाल के जरिए हम एक से दूसरे से क्या कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। आगे आपके पास देखिए, यहाँ डेफिनेशन में लिखा है द इंटरनेट हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट ने हमारी सोसाइटी पर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया है। The internet provide information and services as well as the ability to communicate the people all around the world in a variety of ways. आसान, देखिए यहाँ पर इसने, इन्होंने जो definition में ये बात कही है, अगर हम इसको समझें तो देखें, इस pandemic condition के अंदर आज internet ही है जो हमें एक दूसरे से connect किया हुआ है। इस पेंडेमिक कंडीशन में आज मैं अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो थ्रू इंटरनेट कर रहा हूँ, आप अपने लेक्चर सुन रहे हैं तो इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं, तो इंटरनेट के जरिए लोगों ने सर्विसेज भी प्रोवाइड करने शुरू करी और इंटरनेट के जरिए लोगों ने बहुत सारे पैसे भी कमाने शुरू करी थ्रू ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग। ठीक, आगे आपसे, इंटरनेट क्रिएट्स न्यू वेज फॉर सिटीजन कम्युनिकेट कॉन्ग्रेट्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। आज के दौर में इंटरनेट ने एक और इम्पैक्ट क्रिएट किया। पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, अगर मुझे किसी भी शख्स को कुछ विशेष देनी होती थी तो हम बाकायदा उनको लिख कर थ्रू कार्ड्स देते थे, मगर आज के दौर में क्या है, इंटरनेट के जरिए हम थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनके जरिए आसानी क्या कर लेते हैं, एक से दूसरे से कॉन्ग्रेट्स और इसके अलावा मुख्तलिफ जो भी विशेष हैं वो उन तक पहुँचाते हैं। तो इंटरनेट ही इन तमाम चीज़ों का एक जरिया बनता है कि हमें कम्युनिकेट करवाने करवाता है और हम आसानी अपनी सर्विसेज, हम आसानी अपने मैसेजेस एक दूसरे को प्रोवाइड कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी पे कंप्यूटर ने क्या कंप्यूटर किस तरह असरअंदाज हुआ। तो फर्स्ट वन, कंप्यूटर आर कॉन्स्टेंटली बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। आज के दौर में मैंने आप लोगों को एनालॉग कंप्यूटर की एक एग्जांपल दी थी, जिसे मैंने कहा था एक वॉल क्लॉक एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। भाई, सो के उठते हैं तो हम सबसे पहले कंप्यूटर को ही देखते हैं, वो है वॉल क्लॉक। हम अपने मोबाइल्स को चेक करते हैं, वो भी हमारे पास एक कंप्यूटर कंप्यूटिंग ही डिवाइस है। हम मोबाइल चेक करते हैं, क्या हम टाइम देखते हैं, हमने सो के उठने से और रात के सोने तक हम जो है वो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। आगे, कंप्यूटर आर यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम होम, पीसीज, लैपटॉप्स टू अप्लायंसेस सच एज माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हर चीज में हमारे घरों में कंप्यूटर मौजूद है, चाहे वो आप वॉशिंग मशीन ले लें, चाहे आप वो माइक्रोवेव ले लें। आजकल तो स्मार्ट LEDs आ गई हैं, आजकल तो
स्मार्ट जो है वो बाकायदा ये समझ लें कि स्प्लिट्स ऐसे आ गए कि आप वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं और उनको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये तमाम हमारे पास कंप्यूटर ही है जिसने हमारी सोसाइटी को आके एक इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया जो जब कंप्यूटर बना था उस टाइम पे सोचा भी नहीं गया होगा कि आज जिस टाइम पे जो दौर चल रहा है कंप्यूटर का, कंप्यूटर ऐसा भी हो। आगे हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन एजुकेशन। तो ये बात तो आज के दौर में समझ में आ गई कि कंप्यूटर ने हमारी एजुकेशन को में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। किस हवाले से? जैसे ही कोरोना वायरस दुनिया भर में असरअंदाज होना शुरू हुआ तो दुनिया भर के लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और वो ऑनलाइन सिस्टम थ्रू कंप्यूटर अडॉप्ट हुआ। और वही बात जो मैं इससे पहले बोल चुका कि मैं अगर आपको कोई लेक्चर दे रहा हूँ और आप वो लेक्चर सुन रहे हैं तो ये कंप्यूटर ही है जिसने आज हमें एक दूसरे से करीब कर दिया है। अगर ये कंप्यूटर नहीं होता और आज से आप 50 साल 60 साल पीछे चले आए और अगर ये वायरस इफेक्ट हो करता तो हम इस तरह से आपको एजुकेशन नहीं दे सकते थे, हम इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते थे। मगर ये कंप्यूटर ही है जिसने एक हमें जरिया बनाया ऑनलाइन क्लासेस का। तो यहाँ पर जो लिखा है वो यही है, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर एजुकेशनल पर्पस हैज बीन हाईली बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट एंड एज वेल एज टीचर। जिस तरह आपके लिए बेनिफिशियल है इसी तरह हमारे लिए भी। कंप्यूटर आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर रिसर्च पर्पस। हम देखें बहुत सारे लोग रिसर्चेस करते हैं, हम बहुत सारे लोगों की मिसालें लेते हैं, हम भी रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों को रिसर्च का शौक होता है। तो जब वो रिसर्च किसी भी चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर मोबाइल या कंप्यूटर की हिस्ट्री के हवाले से बात करूं और मैं गूगल पे सर्च कराता हूं तो मुझे बड़ी हिस्ट्रीज मिल जाती है। तो कंप्यूटर ही है जिसके जरिए हम रिसर्च भी कर सकते हैं। और वर्चुअल क्लासेस क्या होती हैं? ये क्लासेस बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इनमें स्टूडेंट जो है वो फिजिकली तौर पर मौजूद नहीं होते मगर थ्रू इंटरनेट क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो कंप्यूटर ने हमारे एजुकेशन को भी आके बड़ा इफेक्ट क्रिएट करा है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन बिजनेस। बिजनेस में कंप्यूटर ने ऑब्वियसली बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया और कंप्यूटर ने फैक्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में और अदर बिजनेस प्लेसेस में बड़े काम करे। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे एक ये नुकसान हुआ कि कंप्यूटर जो है उसने आके इंसानों की जगह ले ली, मतलब इंसानों को रिप्लेस कर दिया कंप्यूटर ने। वो काम जो हमारा चार लोग मिलकर करते थे वो हमारा एक कंप्यूटर करने लगा, और मगर वो चार लोग भी मिलकर उस काम को इतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाते थे जिस तरह से हमारे एक अकेले कंप्यूटर ने किया ठीक। और कंप्यूटर देखें, मैंने लास्ट बात ये लिखी है कि कंप्यूटर हैव हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट इन वर्क प्लेस। पॉजिटिव इफेक्ट भी है तो नेगेटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव ये कि उसने जो है वो लोगों की जगह ले ली, और पॉजिटिव इफेक्ट ये कि लोगों से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने लगे। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक को कवर कर लिया है। आप लोगों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपने नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इन तमाम चीजों को, चैप्टर नंबर 1 को खासतौर पे 9 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ लें जो लेक्चर्स मौजूद हैं हमारे उसमें, और उससे रिलेटेड अगेन कोई क्वेरीज हो तो वो हमसे पूछा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर है। खुदा अल्लाह हाफिज़।